जी ने हमेशा उदारता बनती है, राजनीति को कोई पेशा उन्होंने नहीं बनाया। समाजवादी थे और देखते हैं जहां समाजवादियों में कमजोरी आ रही है, वो शरण में आ रहे हैं तो उनको एक ताकत दे देते हैं। अब वो ताकत लेकर के वो जो भी नजायज करना चाहे वो करता है, फिर भी समाजवाद उदारता ही है समाज का, और उसके प्रतीक हैं लालू प्रसाद। तेजस्वी जी ने माना कि चलिए पिता बन करके आए, ख्याल कर लेना पिता बन करके आए, और क्या व्यवहार और दुर्व्यवहार बेटे के साथ किया जाता, उनका इतिहास है, उसी इतिहास को दोहरा दिया। ये जन विश्वास, अडानी अंबानी के धन पर हमें विश्वास नहीं, हमें विश्वास है किसानों का, खेतों में काम करने वाले लोगों पर, आम जन पर जो झोपड़ी में रहने वाले हैं, सड़क के किनारे रहने वाले हैं, जिसके लिए आदरणीय लालू जी ने इस पटना के प्राइम लैंड पर भी उनको बसाया, जो धीरे धीरे उजाड़े जा रहे हैं, उजाड़े जा रहे हैं। तो उजाड़ने वाला अपना काम करता है और जिनके भीतर उदारता है वो अलग अपना कोई काम करते हैं। तो हम लोग का सवाल ये जो था, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? एक ही उद्देश्य जनता जो विश्वास प्रकट किया था तेजस्वी जी पर, उस विश्वास को बनाए रखे, तेजस्वी में कोई परिवर्तन नहीं आया, भले परिवर्तन उन लोगों में आया है जो सत्ता के लालची हैं। अब तेजस्वी सत्ता के लालची नहीं है, लेकिन मन में एक है कि यदि सत्ता मिली तो हम उन नीतियों को लागू करेंगे, समाजवादी नीतियों को लागू करेंगे। जो कर्पूरी ठाकुर की राजनीति रही है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की राजनीति रही है, जो हमारे समाजवादियों की राजनीति रही है, जिसके अमल लालू जी ने भी किया था और तेजस्वी जी किए हैं, लेकिन ये नहीं है कि सत्ता चली गई तो उसे उनका विश्वास हट गया। जनता पर उनका विश्वास बना है और जनता के हर मोर्चे पर जहां उन्हें तकलीफें हैं उसे दूर करने के लिए वो चाहते हैं कि देश में दंगाइयों से मुक्त हो ये देश। याद रखिए, आज सारा देश सरा रहा है, तेजस्वी जो तो नई पीढ़ी में देश के नेता बन गए। तिकड़म के नेता बनने वाले लोग, प्रधानमंत्री, दुनिया का नक्शा देखने वाले लोग, तेजस्वी जी ने तिकड़म की बदौलत नहीं बल्कि अपनी योग्यता की बदौलत, उन्होंने नहीं कहा कि हमको देश माने, लेकिन उस दिन विश्वास मत पर जो बात उन्होंने कहा है विधानसभा में, चाहे देश की जितने बड़े बड़े पत्रकार, विद्वान, यहाँ तक कि भाजपाई और जदयू के लोग कह रहे हैं जहाँ हैं, लेकिन तेजस्वी जी ने तो एक चमत्कार करके दिखा दिया। अब चमत्कार कोई व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है, वो जनता के विश्वास, उसी को फिर विश्वास को दिलाने के लिए उनकी यात्रा 20 से लेके 29 तक ये लगातार उनकी चलेगी, बिहार के हर जिले में जाएगी, हर संसदीय क्षेत्र में करीब करीब वो जा रहे हैं। फिर इसके बाद जब चुनाव का दौर शुरू होगा तो जो और भी इलाके हैं, ग्रामीण इलाके, वहाँ वहाँ जाएंगे। तो इस दौरे का उद्देश्य एक कि तेजस्वी की कुर्सी जहाँ जहाँ भी रहे, जनता के हृदय में स्थान जो बना है उस पर उनको विश्वास है, और उसी विश्वास को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। देखिए, यात्रा का नामकरण जन विश्वास यात्रा, जन विश्वास यात्रा,
यहाँ बैठ करके जिसका विश्वास अविश्वास लोग करें, जनता के विश्वास पर हम लोग टिके हुए हैं। और जनता का विश्वास कितना तेजस्वी पर है वो साबित हो चुका है पिछले बार विधानसभा के गत चुनाव में। 15 के चुनाव में क्या कहा जाता था, मिलकर के लड़े, वो मेरे चेहरे पर वोट मिला है, नीतीश कुमार बोलते थे, अपने चेहरे का वर्णन करते थे, ये राजद का वोट नहीं है बल्कि उनके चेहरे पर वोट है। लेकिन आप सब गवाह हो, 2020 का चुनाव किसके चेहरे पर हुआ, राजद का, और उनके चेहरे कब पर भी वोट हुआ, उनके चेहरे के साथ मोदी का भी चेहरा था, दंगाई नफरती जितने लोग हैं उनका सबका चेहरा उनके साथ टिका हुआ था। और तेजस्वी तनहा एक नौजवान जिसके प्रमाण पत्र को लोग देखते थे, उसके क्वालिफिकेशंस को देखते थे, दुनिया भर की चर्चाएं होती थी उसके इंसान के व्यक्तित्व को, और जनता पर कितना उसको विश्वास है और जनता कितनी उस बातों को उठाती है, इस विश्वास पर उन लोग को मालूम था कि हम लोग तो हवा में उड़ा देंगे तेजस्वी को, और सभी लोग हवा में उड़ गए। पहली बार देश में चुनाव हुआ था विपक्ष की आलोचना नहीं करके, जनता के सामने अपनी नीतियों को रख करके। ये देश का एक अपने आप में मिसाल है बिहार का 2020 का चुनाव। बेरोजगारी है, खेतों को अच्छे ढंग से पानी मिले, अस्पतालों में दवाई आम आदमी को मिले, हर आदमी को शिक्षा सही ढंग से मिले, और उनकी तकलीफों को सुना जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। बोलिए, इसी बात पर वोट हुआ? लोग दुनिया भर की बात यहाँ से वहाँ ये हो करते रहे, लेकिन जनोन्मुखी आवाज उस नौजवान के मुख से जो निकला उस पर विश्वास बहुमत में मिल चुका था जनता के द्वारा। दुनिया ने देखा, सारा देश माना कि तेजस्वी को जोर और जबरदस्ती से चुनाव हराया गया है, जोर और जबरदस्ती से चुनाव हराया गया है। तो चुनाव तो तेजस्वी जीते, और हराने वाले के मुंह पे कालिख लग चुकी थी, और उसी मुंह पर लगे कालिख को लेकर के यहाँ पर सरकार उन्होंने बनाया। जनता एक दिन के लिए उनकी सरकार को नहीं मानी, और इसके बाद आ गए फिर शरण में लालू जी के। मार रहे थे लोग सरकार में, जो जांच पैची है। आप सुनो, ऐसे घटिया बातों का कोई जवाब दिया जाता है क्या? कहने वाला कितना घटिया है, मैंने ऐसे को कहना पड़ेगा, कितना घटिया है। जिनके खाते में 2000 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया जमा हो, और राष्ट्रीय जनता दल को अपने 10-10 रुपये नौजवानों से, बच्चों से, गांव वालों से, ग्रामीणों से जो सदस्यता शुल्क मिला है वही हमारी पूंजी है। लेकिन मैं जानता हूं कि पैसे से होने वाला क्या है। गंदी बातों को फैलाओगे, उस गंदी बातों की उम्र बहुत अधिक नहीं होती, और जनता बता देगी इस दौरे में कि उसे विश्वास है तेजस्वी पर, कि विश्वास है अफवाह उड़ाने वाले और झूठे लोगों पर। तो जांच का कोई असर नहीं होगा? कहाँ ले जा रहे हो जांच? तो देश भर में जांच और जेल, ये तो विपक्ष की अब शोभा बन गया है, क्योंकि जो जालिम और जल्लाद हैं
वो आपका पालन पोषण नहीं करते हैं। जल्लादों का जो काम है वो अपना कर रहे हैं, दिल्ली में भी हो रहा था और राज्यों में भी हो रहा। कौन नेता इस देश का बचा जिसको तुम जेल जाने के लिए भेजने के लिए लोग तैयार नहीं हों? हो सकता है कुछ तलाश लेंगे। एक सीधी सी बात है, गांव घर में हमें खिस्सा है, लेकिन याद रख लो क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट, ये बॉन्ड कुछ नहीं है, घुसखोरी का सबसे बड़ा अड्डा है। उस जालिम को क्या सजा मिलेगी जिसने संसद से पास करा के घूस को भी लीगलाइज कर दिया, घूस को भी लीगलाइज कर दिया। तो जनता के सामने तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि कौन करप्ट है। बार बार नीति